सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अब तक की 25 बड़ी खबरों के साथ। अजीत पवार को बड़ा झटका, शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। पहलवानों के समर्थन में सोनीपत पंचायत में बड़ा फैसला, 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया तो करेंगे बड़ा आंदोलन। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन शुरू होते ही बवाल, मुर्शिदाबाद में टीएमसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, पुलिस का लाठीचार्ज, लोकल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या से माहौल गर्म। गठबंधन पर तनाव के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहेगा, विवाद पर नहीं दिया कोई जवाब। दुष्यंत चौटाला का बयान, बीजेपी के साथ गठबंधन किसी की बाध्यता नहीं, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर में आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, आईएसकेपी के 3 सदस्य पकड़े गए, सूरत से सुमेरा नाम की महिला गिरफ्तार, अफगानिस्तान जाने की फिराक में थे। लुधियाना के न्यू राजनगर में एक कंपनी से 7 करोड़ की लूट, महिला समेत 9 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम, 20 किलोमीटर दूर वैन बरामद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा गांधी का हत्यारा है तो भारत के सपूत भी है गोडसे, बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं। गिरिराज किशोर के बयान पर जनता दल यूनाइटेड का पलटवार, जेडीयू का पलटवार, कहा अगर गोडसे जैसा आदमी भारत का बेटा है तो वीरप्पन, दाऊद और चंबल के डकैत भी बेटे हैं, ये सब कलंक है। गिरिराज सिंह के गोडसे पर बयान को लेकर मनोज झा बोले, ये सामूहिक शर्म का विषय है कि देश को यहां लाकर खड़ा कर दिया है। गिरिराज पर कपिल सिब्बल बोले, आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की थी, वो कैसे गांधी को सम्मान दे सकते हैं। महाराष्ट्र के धुले में नगर निगम के आदेश के बाद टीपू सुल्तान के स्मारक निर्माण को गिराया गया, बीजेपी समेत कई संगठनों ने की थी शिकायत। प्रयागराज में लिव इन में रह रही महिला की हत्या, प्रेमी और दोस्तों पर हत्या करके लाश को सेप्टिक टैंक में छिपाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के बालासोर जिले में अब मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, रूपसा स्टेशन पर हुई हादसा। भारत के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा में मचा सकता है तबाही, 150 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। साइक्लोन की आशंका के चलते गुजरात के वलसाड में तीथल बीच टूरिस्ट के लिए किया गया बंद, एहतियात के लिए ये फैसला लिया गया है। अगले 24 घंटे गुजरात के नवसारी में बिपरजॉय तूफान के तेज होने की आशंका में प्रशासन सतर्क, लोगों को बीच पर जाने की मनाही। संजय राउत का बयान, कहा शिंदे ने नहीं, अमित शाह ने शिवसेना को तोड़ा, भविष्य में बीजेपी को खत्म किए बगैर हम रुकेंगे नहीं। महाराष्ट्र के तुलजापुर भवानी माता प्राचीन मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की गिनती जारी, करीब 200 किलो सोना, 4000 किलो चांदी के आभूषणों को गिना जाएगा, आरबीआई के कर्मचारियों की देखरेख में हो रही है गिनती। यूपी के बाराबंकी में डांस को लेकर भिड़े बाराती, जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे, मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अमृतसर के पास एक गांव में बीएसएफ जवानों ने सुनी पाकिस्तानी ड्रोन से कुछ गिराए जाने की आवाज, संदिग्ध हेरोइन का एक बड़ा पैकेट बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास एयरक्राफ्ट की आकृति का गुब्बारा मिला, गुब्बारे पर लिखा है PIA एमिरेट्स, पुलिस कर रही है जांच। सस्ती फ्लाइट टिकट और वीजा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला दिल्ली से गिरफ्तार, अब तक 40 लाख रुपए ठग चुका है। यूपी में सभी वाहनों के पुराने चालान खत्म करने का फैसला, 2017 से 2021 के बीच पेंडिंग चालान निरस्त किए गए। महाराष्ट्र के पालघर में धागा बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान।